presents Bear Music. आज मैं जल्दी हूँ सब, लगभग हमेशा 4 बजे के बाद में मैं गाया करूं, लेकिन हाँ बस क्योंकि एक मेरी छोटी सी बात को स्वीकार करके गुरुदेव कृपाराम जी महाराज बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर हरपालिया, हरपालेश्वर महादेव, जहाँ मेरा भी कार्यक्रम हुआ था, बाड़मेर से भी लगभग 150-200 किलोमीटर आगे, वहां से कथा संपूर्ण करके सीधा का सीधा यहाँ पर पहुंचे इतना परेशान होने के बाद भी, और यहां से वापस कल सिलीगुड़ी जा रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर। सिलेवगार गुरुदेव कृपाराम जी महाराज, पाली बाबू त्रिफेट बालाजी से ब्रह्म ऋषि ओम जी महाराज, रामप्रिया जी महाराज, हीरकंवर भाई साहब, वैरागी भाई साहब, सभी पधारे, एक बार इन सभी संतों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग। भजन तो सिर्फ एक पंक्ति ही गाऊंगा, लेकिन 2-4 जो मेन बातें जो मुझे इस मंच पर कहने के लिए जरूरी है। एक तो आज ये जितने भी गुरुदेव मोमेंटो दिए जा रहे हैं, ये सब हमारे कालू भाई की तरफ से है, देव म्यूजिक की तरफ से है, और आज जितने भी लगभग 3500-4000 लोगों की प्रसादी की व्यवस्था थी, वो हमारे बाप जी के शिष्य जितने भी बेंगलोर के हैं उनकी तरफ से ये प्रसादी की व्यवस्था की गई है, और जो राजस्थान में मेरा एक ग्रुप चलता है बाप जी की फौज करेगी मौज, वो सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ ही है। इस बार बाबा को बाप जी के नाम से मसूरी हम भंडारा भी लगा रहे हैं, भंडारा का भी आयोजन रख रहे हैं, और बाप जी की फौज के बैनर तले जहां पर भी बाढ़ पीड़ित की सहायता हो, या कहीं भूकंप की सहायता हो, या कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाने की सहायता हो, या कुछ भी हो, वो सब बाप जी के ग्रुप के करने वाले, हम दोनों भाई कुछ भी नहीं है करने वाले, संभालने वाले भी वो है, अकाउंट भी उनके पास में है, सब करने वाले वो है, बस ये है कि हमारी उपस्थिति उन हर कार्यक्रम में रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबूजी का नाम, और बहुत ही जल्दी अभी जोधपुर में भी हॉस्पिटल में बाबूजी के नाम से एम्बुलेंस भी हम लोग देने के लिए आ रहे हैं। जितनी हमारी कोशिश रहती है कि समाज सेवा का काम जितना हो सके हम लोग करते रहे, और अगर वो बढ़ता रहेगा, और हम तो कुछ करने वाले नहीं है, आज ये पुण्यतिथि होती है हर वर्ष, मैं और मेरे भाई कुछ भी नहीं करते सर, करने वाले सब आपके आप ही हो, हमारा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तोय, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोय, और मेरा तो पूरा वजूद ही मेरे बाबूजी हैं साहब, बाकी गजेंद्र राव को तो कोई जानता ही नहीं था, आज आप भी गवाह हो इस बात के, अगर बाबूजी नहीं होते तो आज मैं, और मेरा कुछ वजूद भी नहीं है साहब, मेरा जो भी वजूद है, काफी लोग कह भी करे साहब, आप ही से कहते गजेंद्र राव तो बाप रे नाम री रॉयल्टी गावे, सत्य बात है ना ये, गजेंद्र राव बाप रे नाम री रॉयल्टी गावे, मैं नहीं, उनके नाम की रॉयल्टी उनके लगभग 5 लाख शिष्य खाते हैं साहब, ये तो मेरे पिताजी भजन गायक थे, अगर उनकी किराना की दुकान होती ना तो वो भी पैडी हम लोगों को संभालनी पड़ती थी, लेकिन मेरे पता नहीं कौन से भाग्य की रेखा खुल गई और मैं इस भजनों के प्रति रुचि लेने लग गया, और मेरा आज वजूद बन गया उनके आशीर्वाद से, बाकी रे मेरा तो कुछ था भी नहीं साहब, मैंने तो आज ये बोलना सीखा वो भी बाबू जी से, अरे नहीं मुझे आगे जाना ही नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रहती है, क्योंकि आज मैंने घोषणा कर दी है बाबू जी के पीछे मैं मेरे नेत्रदान भी करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, आज ही मैंने रक्तदान किया था, उसके साथ में मैंने घोषणा कर दी कि मेरे नेत्रदान भी मैं बाबू जी के लिए कर रहा हूँ, मेरा पूरा वजूद, मेरी पूरी जिंदगी मेरी बाबूजी के प्रति समर्पित है, मेरा एक ही ध्येय है कि जहां मैं बैठा रहूं वहां गजेंद्र राम नहीं सिर्फ बाबूजी का नाम होता रहे, कि नहीं बाबूजी रो बैठो, बाबूजी रो बैठो, बाबूजी रो बैठो, तो मारो गानो सफल है, बाकी मने गाने की कोई जरूरत ही नहीं है साहब, अरे भागने बगीची तो और ये भजन यहां नहीं, मैं UAE में परसों दुबई में भी ये कृष्ण मणियारा ही गा के आया हूं मैं वास्तव में,
और वापस 11 तारीख को दुबई मेरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण राजा मोरदज की कथा सुनने के लिए मुझे बुला रहे हैं वहां पर। हाँ, मंजीरे पर महेंद्र सिंह जी राठौड़ चल रहे मेरे साथ में, पिछली बार रहेगा था पीछे और बैठे हैं, वो भी बाप जी और आपसे सीनियर भी है ढोलक भर। अब इन दोनों के बीच में कोई मत आना।